तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलती हूँ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के शिला पीर बाबा के मंदिर पर। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु लोग अपनी श्रद्धा लेकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शिला है, इसके ऊपर कच्चा दूध डाला जाता है और अपने हाथों से इसको धोया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ और फूल भी चढ़ाए जाते हैं और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी चर्म रोग और दूसरे कोई रोग होते हैं, अगर यहाँ का दूध लेके अपने जिन अंगों पर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई रोग है, उस पे लगाया जाता है तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और आपकी परेशानी से आपको निजात मिलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं श्रद्धालु लोग किस तरह से कच्चा दूध शिला पर धो रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शिला है। हर बृहस्पतिवार को लोग यहाँ पर आते हैं शिला पीर के दर्शन करने के लिए, इसी तरह से अपने रोगों को दूर करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आकर अपने रोगों से निजात पाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से छोटे बच्चे भी यहाँ पर शिला पीर को इसी तरह से अपने हाथों से धो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इसी तरह से कोई चर्म रोग है तो आप यहाँ आकर अपनी रोगों से छुटकारा पा सकते हैं और शिला पीर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ज्योत है दिन रात जलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर झाड़ू और नमक की थैली चढ़ाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिला पीर के ऊपर जितनी बार भी छत बनाई गई है, यहाँ छत नहीं टिकती है। बहुत बार कोशिश की गई है बनाने की लेकिन वो छत गिर जाती है। तो दोस्तों ये बाहर का सीन है, यहाँ पीपल का पेड़ है जहाँ पर के गेहूँ पक्षियों के लिए रखा जाता है। आसपास में छोटे बड़े मंदिर हैं। दोस्तों भारत की एकता का प्रतीक यहाँ मंदिर के साथ साथ में गुरुद्वारा भी है बहुत बड़ा, जो कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा माना जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें भी लगती हैं जहाँ पर लोग शिला माता के दर्शन करने के बाद में ख़रीदारी करते हैं। तरह तरह की दुकानें लगी रहती हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसको जो पसंद आता है वो यहाँ से ख़रीदारी करके लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं लोग ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए बैंगल्स, बड़ों के लिए सब कुछ मिलता है। आप जो चाहे यहाँ से ले सकते हैं, हर तरह की वैरायटी है। खाने पीने के लिए भी व्यवस्था है, सारे बच्चों के खिलौने हैं यहाँ।